सावन के बारे में कहा जाता है कि ये महीना पूरी धरती की प्यास बुझा देता है, हर तरफ हरियाली हो जाती है। लेकिन इसी महीने में रायपुर के नाविकों का रोजगार छिन गया, यानी जो कमाने का सीजन था उस पर ही प्रशासन ने रोक लगा दी। इस पर रिपोर्ट देखिए। सावन में अन्य धार्मिक स्थलों की तरह रायपुर के महादेव घाट पर भी महीने भर का मेला लगता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर पूजा पाठ करते हैं और खारून नदी की पवित्र जलधारा का आनंद लेते हैं। इस तट पर रहने वाले नाविकों के लिए ये महीना कमाई का होता है। ये लोग यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को नौका विहार कराते हैं और इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इस बार नौका विहार पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। हम लोग को सावन के इस महीने में हम लोग नाव चलाते हैं, तो नाव चलाने के लिए प्रशासन हम लोग को मना करते हैं। इस प्रकार का दिक्कत है, इसी में हम लोग का रोजी रोटी चलता है। सावन में हम लोग रोजी रोटी निकालते हैं नाव सवारी चला के। वजह है खारून नदी का बढ़ता जल स्तर। उफनती नदी में प्रशासन ने इन्हें जाने से मना कर दिया है। देखिए, अभी चूंकि बारिश काफी हो रही है और जल स्तर बहुत बढ़ रहा है, इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर चूंकि लोगों की जान माल की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई। प्रशासन अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन इन नाविकों के लिए कुछ न कुछ तो किया जाना चाहिए। जिनके चूल्हों की आग प्रशासन के आदेश ने ठंडी कर दी, जबकि यही नाविक यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान लगा देते हैं। इस बार भी कई डूबते को बचाने के लिए स्थानीय नाविकों ने ही मदद की, लेकिन इसका मेहनताना तक इन्हें नहीं मिलता। मछली पकड़ते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं बस। तो ये जो डूबते उगते हैं उसमें बचाते हो? उसको बचा लेते हैं सर, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। प्रशासन की तरफ से नौकरी के लिए मांग किए थे, गोताखोरों के लिए, हमारे आदमी मछुआरे लोग को, तो उन लोग नहीं लगाए। और ये हम लोग को घाट के यहाँ घाट में जरूरत है 4-5 लोगों की, वहाँ उसको भी नहीं मंजूर किया। तो इसलिए ये परेशानी होता है, कोई भी डूब जाता है तो हम ही लोग बचाते हैं, कहीं भी कुछ हो जाता है तो हम ही लोग जाते हैं निकालने के लिए। और हम ही लोग को कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने रेस्क्यू दल के नाम पर होमगार्ड तैनात किए हैं, जिन्हें तैरना तक नहीं आता। वो खुद मानते हैं कि बिना स्थानीय नाविकों के बचाव का काम नहीं किया जा सकता। ये नाविक जो रहते हैं यहाँ के, यही लोग हम लोग को बता पाते हैं कि यहाँ कौन सा गड्ढा है, क्या है, इस पूरा जो है ना नदी के बारे में इन लोग ज्यादा जानते हैं। बाकी हम लोग एक सपोर्टर रहते हैं इन लोग के, ये डूब गए तो इन लोग नहीं पहुँच पाते नाव में फटाक से, तो हम लोग क्या है मोटर चालू किए और राउंड मार लेते हैं, बीच बीच में अगर कोई डूब रहा है उसको बचा लेते हैं। प्रशासन चाहे तो रेस्क्यू दल में इन नाविकों को नौकरी दे सकता है। घाट पर इन्हें बचाव दल के तौर पर स्थायी रूप से तैनात किया जा सकता है। इससे इन्हें रोजगार भी मिलेगा और सुरक्षा भी कड़ी हो जाएगी। समय के लिए रायपुर से रुपेश गुप्ता।